उनको रोक लीजिए आज की सच्चाई। जैसे ही मैंने उस दिन सुबह का अखबार खोला, मैं किसी अच्छी खबर की उम्मीद कर रहा था, लेकिन पहली खबर पढ़ते ही मेरा दिल दर्द से भर गया। बहुत ही हृदय विदारक खबर थी। खबर एक लड़के और लड़की के बारे में थी। दोनों प्रेमी प्रेमिका थे, लेकिन समाज और परिवार के भय से उन दोनों ने साथ में ही अपने जीवन को पूर्ण विराम दे दिया था। मैं सोचने लगा कि क्यों इस तरह से लोग अपने जीवन को अप्राकृतिक तरीके से अंत कर लेते हैं। मेरे विचार में अपनी सांसों को अपनी मर्जी से रोक लेना और इस दुनिया से विदा हो जाना कोई बहादुरी का काम तो नहीं था। अगर उस युवक और युवती ने थोड़ा सा साहस दिखाया होता तो वो दोनों परिवार और समाज से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर सकते थे और फिर शादी के बंधन में भी बंध सकते थे। लेकिन फिर मेरे दिमाग में उस इलाके की खाप पंचायतों का ख्याल आया। खाप पंचायतों के बुजुर्ग मुखिया या पंच इतने क्रूर थे कि वो इस तरह के प्रेम के मामलों में अपने परिवार के बच्चों को भी माफ नहीं करते थे और उनको इस दुनिया से विदा कर देते थे। हाल में कई किस्से हुए थे जिनमें खाप पंचायत वालों ने सबके सामने ही तीन युवा लड़के और लड़कियों के जीवन को सबके सामने ही पूर्ण विराम लगा दिया था। मैं सोचने लगा कि इस तरह की खबरें पढ़कर मेरे जैसे लोग थोड़ा बहुत चुंचलाते जरूर हैं, लेकिन इस दुष्ट परंपरा और दंड प्रणाली को रोकने के लिए कभी कुछ करते नहीं हैं। हम में से कोई भी तो इन खाप पंचायतों का विरोध करने आगे नहीं आता है। मैं काफी देर तक खुद के बारे में ही सोच रहा था, तभी मैंने अपने पड़ोसी के जवान बेटे को घर से निकलते हुए देखा। वो एक गाना गा रहा था, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। मैं समझ गया कि प्रेम का एक और मामला जल्द ही सामने आने वाला था। मैं सोचने लगा कि मैं कैसे उस जवान लड़के और उसकी प्रेमिका को हारने के बाद जीवन का अंत करने से रोक सकता था। काश कि हमारी सरकारें इतनी संवेदनशील होती और इस तरह के प्रेमी और प्रेमिकाओं को पूरा समर्थन और संरक्षण देकर उनको जिंदा रख सकती। दोस्तों, अगर आपके सामने कोई ऐसी लड़की और लड़का कभी आए और आपको मालूम चल जाए कि वो दोनों भी जीवन समाप्त करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कुछ भी करके उन दोनों को रोक दीजिए और हो सके तो उनको उनकी खाप पंचायतों के क्रूर सदस्यों से कहीं बहुत दूर भेज दीजिए। किसी का जीवन बचाने से बड़ा पुण्य तो और कोई हो ही नहीं सकता है।